विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत के बाद कई गंभीर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सरकारी वकील सवाल उठा रहे हैं कि यूपी पुलिस की ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली। वहीं कल उज्जैन पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर ना लेने की अलग ही दलील दी थी। 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे विकास दुबे को उज्जैन पुलिस के द्वारा थाना महाकाल परिसर में पकड़ा गया था और उसे अपनी हिरासत में रखा गया था, जिसे यूपी पुलिस से एसटीएफ पुलिस ने आकर प्राप्त किया था। यहाँ यह संभावनाएं बताई जा रही थी कि उसे ट्रांजिट रिमांड हेतु सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा, किंतु यूपी की एसटीएफ पुलिस ने विकास दुबे को न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। पुलिस पहुंची, हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गई है। ट्रांजिट रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए, इतना विभत्स कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और रिक्वजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है, ताकि मामले की तह में जांच किया जाए।